तो चलिए हम अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं। बर्फ से ढक चुकी है, मैं फर्स्ट टाइम इस रोड को देखूंगा। बर्फ देखिए जम चुकी है, पर हमारे वहाँ बर्फ पड़ गई थी जिस कारण हमें इस रोड पे आना पड़ा। पुराना ब्रिज यहाँ पर ठीक इसी के साथ ये नया ब्रिज बना था और ये पूरा का पूरा ब्रिज पलट चुका है। और ये लकड़ी का है और है भी काफी पुराना। नाला आ रहा है आगे। ये ब्रिज कब गिरा था भैया? तो इसके ऊपर ट्रक थे शायद दो तीन, चार, और वो उसी साइड को पलट गया। अगर मैं बसंतपुर जाऊँ तो इसी रोड से आएगी बस? नहीं, अच्छा दूसरा है। और इस वक्त हम पहुंच चुके हैं बसंतपुर। जब कुफरी और नारकंडा की रोड बंद होती है तब लोग यहाँ से जाते हैं। यहाँ बारिश होगी तो ऊपर बर्फ पड़ती है। पंचर हो गया यहाँ पर। उम्मीद तो थी बर्फ पड़ेगी पर इतना नहीं था कि हम फंस ही जाएंगे। इस पहाड़ी से पिछली साइड उससे भी काफी ऊंचाई पे जाएंगे हम। इन रास्तों से चला करते थे हमारे पूर्वज इस नाले को क्रॉस करते हुए। पहले ये देखिए ये ब्रिज पार किया करते थे लोग। यहाँ से हम थोड़ा रोड जाएंगे ऊपर को। सोच समझ के ही चलने की कोशिश करता हूँ। और ये देखिए पुराने रास्ते अभी भी बरकरार है, बीच में कांटे ऐसे हमें पकड़ भी लेते हैं। यही आ जाओ, रोड आ गया। ये कुछ ज्यादा ही हाइट है ये। अरे गिरोगे, छोड़ो, सुनो पहले पकड़ लो ऊपर ग्रिप ठीक से। इस रोड से तो नहीं जाएंगे हम, इस रास्ते से जाएंगे ऊपर। इस रास्ते को हमने क्रॉस करना है, या तो ऐसे झाड़ दिया करे अगर डंडा हो तो, फिर इसके नीचे से निकलो। ये एक और ब्रिज और एक हमें लिफ्ट मिल रही है। पेड़ इस तरीके से झुक जाते हैं बर्फ के बोझ से। अब है जंगल का रास्ता, छोटा सा, तकरीबन 3 किलोमीटर नीचे। सामने जो गाँव दिख रहा है वो है मझार गाँव। और ये देखिए एक पानी का छोटा सा स्रोत। ओहो, मेरे ख्याल से मैं कुछ गलत तो नहीं आ गया। इस तरीके से पैदल चलना पड़ता है हम लोगों को जब बर्फ पड़ती है। और ये देखिए एक पुरानी सी, ये पहले दुकान हुआ करती थी। ज़्यादा गर्म होगी जिस वजह से ये बर्फ गल रही है। और ये देखिए पेड़ पूरी तरह से ढक चुके हैं। यहाँ पे है 1 फीट से ज़्यादा बर्फ। और लगातार हम 4 घंटों से पैदल चले हुए हैं। और ये है प्रिंसिपल रूम। और तकरीबन 5 किलोमीटर तो मैं चल चुका हूँ इस वक्त। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार हम फिर मिलेंगे किसी रोमांचक और यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें।